बहुत से लोग अपनी जिंदगी में सिर्फ इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि आखिर उन्हें अपनी जिंदगी में करना क्या है। कुछ लोग तो पैशन को ही खोजते रहते हैं और इसी चक्कर में रह जाते हैं और सक्सेसफुल नहीं हो पाते। इस बात पे अमेज़न के मालिक जेफ बेजोस का क्या कहना है पता है? वो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि सिर्फ इस वजह से अनसक्सेसफुल रहते हैं क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट या पैशन को अपने ऊपर थोपते हैं। वो ये कहते हैं कि याद रखिए कि आप अपने पैशन को कभी नहीं चुनते, बल्कि आपका पैशन आपको चुनता है। गाइस, आप इस बात से कितने इत्तेफाक रखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में। वर्ल्ड क्लास वैक्यूम क्लीनर कंपनी में डायसन का नाम आता है, जिसके फाउंडर हैं जेम्स डायसन, लेकिन सक्सेस रातों रात नहीं मिलती। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि डायसन को सिर्फ वैक्यूम क्लीनर का प्रोटोटाइप बनाने में 15 साल का समय लगा और वो कम से कम 5,126 बार फेल हुए। 15 साल और 5,127 ट्राई के बाद उन्होंने वो वैक्यूम क्लीनर सक्सेसफुली बनाया और आज डायसन कंपनी 70,000 करोड़ की कंपनी है। गाइस, वो कहते हैं ना कि अगर आप कोशिशें नहीं छोड़ते तो एक दिन सफलता आपके कदम जरूर चूमती है। जिंदगी में सफलता ऐसे नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत सी चीजों को जानना और समझना पड़ता है। उन्हीं में से तीन चीजें आज मैं आपको बताता हूं। नंबर वन, सबसे पहले सफलता पाने के लिए आपको अपना माइंडसेट बदलना पड़ेगा, क्योंकि इस दुनिया में वो चीज आपको नहीं मिलती जो आप चाहते हो, बल्कि वो चीज मिलती है जो आप हो। दूसरा, OQP का प्रयास जरूर करो। OQP क्या है? ओनली क्वालिटी पीपल। अपने आप को सिर्फ क्वालिटी लोगों के साथ सराउंडेड रखो। और तीसरा, अगर आप वाकई में सक्सेसफुल होना चाहते हो तो अपनी कम्युनिकेशन स्किल को ठीक करो, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो तो आप दुनिया को बताते हो कि आप क्या हो। गाइस, ये तीन चीजें आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलता है अगली वीडियो में।